हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियो वन ऑलरेडी पोस्ट हुआ है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर वन टू फिफ्टी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन टू हंड्रेड सो टूडेज़ वीडियो इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन ड्रिलिंग टैपिंग एंड एंड ड्रीमिंग ऑपरेशन so let's start the video so the very first question the drilling machine was primarily designed to originate a that means what is the purpose of drilling machine so the answer is none of the above because the options were flat surface cylindrical surface taper surface so basically drilling machine ka purpose hai hole drill karna so here the option is none of the mention next question in drilling machine सो so, यहाँ पे आप स्क्रीन पे ड्रिलिंग मशीन देख सकते हो दिस इज योर ड्रिलिंग मशीन दिस इज द स्पिंडल दिस इज अ ड्रिल बिट एंड दिस इज द टेबल ऑफ द ड्रिलिंग मशीन सो यहाँ पे आंसर है ड्रिल इज रोटेटिंग वर्क पीस इज स्टेशनरी सो ड्रिल मशीन में क्या होता है ये जो है ये ड्रिल बिट है ये रोटेटिंग मेम्बर है और वर्क पीस आपको इस टेबल पर रखना है विच विल बी स्टेशनरी नेक्स्ट क्वेश्चन इन ड्रिलिंग मशीन द ड्रिल इज ए सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर ड्रिल बिट सो द आंसर इज द ड्रिल बीट इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल सो इसे जो कहते हैं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन जिससे एक्चुअल कटिंग होता है और ये भी कटिंग एजेस है मतलब ड्रिल बीट को मल्टीपल कटिंग एजेस होते हैं इसलिए ड्रिल बीट को कहेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल नेक्स्ट क्वेश्चन इन ड्रिलिंग मशीन द लीनियर मोशन ऑफ द ड्रिल इज कॉल्ड एज सो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपको होल करना है तो आप क्या करोगे ड्रिल बिट को वर्क पीस के अंदर पास करोगे लीनियरली और एट द सेम टाइम उसे रोटेट भी करोगे सो क्वेश्चन पूछा है कि इन ड्रिलिंग मशीन द लिनियर मोशन ऑफ द ड्रिल इज कॉल्ड एज मतलब ये जो मोशन है ड्रिल बिट ऐसे अंदर जाएगा उसे क्या कहेंगे सो द आंसर इज फीड नेक्स्ट क्वेश्चन द एंड ऑफ द ड्रिल बिट इज ब्लैंक स्पेस इन शेप सो ड्रिल बिट का एंड जो है वो कैसे होता है सो so ये हो गया आपके ड्रिल बिट का एंड सो so, इसका आंसर है कोनिकल यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रिल बिट का जो एंड है वो कॉनिकल है नेक्स्ट क्वेश्चन इन ड्रिलिंग मशीन द ड्रिल हेड इज सपोर्टेड बाय सो ये हो गया आपका ड्रिलिंग मशीन और इसे कहते हैं ड्रिल हेड। ये हो गया आपका ड्रिल हेड। अब इसको किससे सपोर्ट किया है इस कॉलम से सो द आंसर इज कॉलम नेक्स्ट क्वेश्चन इन ड्रिलिंग मशीन द चक इज माउंटेड ऑन ओके okay, सो so ये आपका ड्रिल मशीन है और इसे कहते हैं चक ओके दिस इज योर ड्रिल चक जिसमें आप ये ड्रिल बिट फिक्स करोगे सो so ये चक कहाँ पे माउंट है सो द चक इज माउंटेड इन द स्पिंडल सो दिस इज योर स्पिंडल स्पिंडल के अंदर आप चक uh, को लगाओगे और चक के अंदर आप ड्रिल बिट को लगाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन ड्रिलिंग मशीन द वर्क टेबल हैज ओके सो दिस इज योर ड्रिलिंग मशीन सो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी मतलब अप एंड डाउन मोशन अलॉन्ग द कॉलम एंड स्विंग अबाउट द एक्सिस ऑफ द कॉलम सो ये जो टेबल है ये आपका अप एंड डाउन मूव हो सकता है ये लेफ्ट एंड राइट मूव हो सकता है और ये रोटेड भी हो सकता है सो हेयर द ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रिलिंग हेड कंटेंस ओके सो ये जो है इसे कहेंगे ड्रिलिंग हेड सो ड्रिलिंग में क्या होता है सो द आंसर इज बोथ बी एंड सी दैट मीन्स ड्राइव मैकेनिज्म एंड फीड मैकेनिज्म क्योंकि आपको ड्रिल को रोटेट भी करना है और उसे लीनियरली नीचे भी लाना है सो द आंसर इज बोथ बी एंड सी मतलब ड्राइव मैकेनिज्म एंड फीड मैकेनिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग ऑपरेशन कैनॉट बी परफॉर्म ऑन ड्रिलिंग मशीन इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जो ड्रिलिंग मशीन पे परफॉर्म नहीं करते सो फर्स्ट आपका ऑपरेशन है टैपिंग टैपिंग मीन्स कटिंग इंटरनल थ्रेड सेकेंड है ट्रे पैनिंग अगर आपको बड़े डायमीटर का होल करना है तो आप ट्रे पेनिंग ऑपरेशन कर सकते हो यहाँ पे आप देखोगे इसे आप रोटेट करोगे तो एक बड़े डायमीटर का होल आप ड्रिल कर सकते हो देन ग्रूविंग यह है ग्रूविंग ऑपरेशन कोई सिलेंड्रिकल जॉब है उसके अंदर आपको कोई स्लॉट तैयार करना है सो दैट इज ग्रूविंग एंड द लास्ट वन इज बोरिंग बोरिंग इज़ एन ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग प्रीवियसली ड्रिल्ड होल्ड सो इसके लिए आंसर है ग्रूविंग सो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑपरेशन आप ड्रिलिंग मशीन के ऊपर परफॉर्म करोगे ग्रूविंग ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म होगा लेथ मशीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इज ए फिनिशिंग ऑपरेशन ओके सो पहला है आपका ड्रिलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन ड्रिलिंग सेकेंड इज रीमिंग, ये होगा आपका रीमिंग ऑपरेशन थर्ड टैपिंग कटिंग इंटरनल थ्रेड एंड फोर्थ वन इज पार्टिंग मतलब अगर जॉब के दो टुकड़े करना है तो सो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज अ फिनिशिंग ऑपरेशन सो इसका आंसर रहेगा रीमिंग ऑपरेशन ये जो है ये फिनिशिंग ऑपरेशन है एक बार आपने होल कर लिया उसको आपको फिनिशिंग करना है तो आप रीमर यूज करोगे और ऑपरेशन को कहेंगे रीमिंग ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द रिसेस फॉर द बोल्ट हेड और नट कैन बी प्रोवाइडेड बाय सो ये सारे आपके जो है ये है ड्रिलिंग मशीन पे जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ये सारे ऑपरेशन इस इमेज में है सो so यहाँ पे क्वेश्चन है द रिसेस ऑफ द बोल्ट हेड और नट कैन बी प्रोवाइडेड बाय ओके सो इसके लिए आंसर है काउंटर बोरिंग ये जो ऑपरेशन है इसे कहते हैं काउंटर बोरिंग मतलब आपने एक होल कर लिया अब आपको यहाँ पर एक नट लगने वाला है या फिर कोई बोल्ट लगने वाला है तो उसके लिए यहाँ पर स्पेस करनी पड़ेगी सो दैट कैन भी डन विद द हेल्प ऑफ काउंटर बोरिंग ऑपरेशन अगर आप काउंटर बोरिंग नहीं करते तो आपके नट का हेड आपका नट या फिर बोल्ड का हेड ऊपर आएगा ओके okay? सो so वो ऊपर नहीं आना चाहिए जॉब के ऊपर उसके लिए आपको स्पेस तैयार करना है सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ काउंटर बोरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द टूल यूज फॉर मेकिंग इंटरनल थ्रेड इज कॉल्ड एज ओके सो so, उसे कहते हैं टैप आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसे कहते हैं टैप सो दिस टैप इज यूज फॉर मेकिंग इंटरनल थ्रेड्स सो द आंसर इज टैप और ये जो ऑपरेशन है उसे कहते हैं टैपिंग ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन बेंच ड्रिलिंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज ओके सो देखिए यहाँ पे ये पहला जो है इसे कहते हैं पिलर ड्रिलिंग मशीन देन सेकेंड रेडियल ड्रिलिंग मशीन थर्ड वन पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन

अब यहाँ पे कौन पुली यूज हुआ है ये है आपका कौन पुली सो so, कौन पुली का पर्पज़ क्या है सो द आंसर इज ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू द स्पिंडल ये हो गया आपका स्पिंडल इसको पावर इसको आपको रोटेट करना है सो so, उसका रोटेशन कैसे होगा मोटर के साथ एक मोटर आप लगाओगे अगर आप मोटर को रोटेट कर रहे हो तो मोटर के साथ अटैच रहेगा बेल्ट सो so, ये आपका पुली रोटेट होगा और उसके थ्रू आपका स्पिंडल रोटेट होगा और देन आपका ड्रिल बिट रोटेट होगा सो so, बुली का पर्पज़ क्या है मोटर से आपको पावर ट्रांसमिट करना है स्पिंडल को सो ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू द स्पिंडल नेक्स्ट क्वेश्चन विच पोर्शन ऑफ द ड्रिल द फ्लूट आर कट विच पोर्शन ऑफ द ड्रिल द फ्ल्यूट्स आर कट ओके सो यहाँ पे आप ड्रिल बिट देख सकते हो ये जो पोर्शन है इसे कहेंगे शैंक और इस पोर्शन को कहेंगे बॉडी अब बॉडी में ही आप देखिए कि फ्लूट्स कट की हुई है ओके okay. सो so, इसके लिए आंसर बनेगा बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द ड्रिल फॉर्म्स द कटिंग एज कौन से पार्ट में कटिंग एजेस होते हैं सो आंसर इज फ्ल्यूट देखिए ये सारे फ्ल्यूट्स है और यहां पे ये सारे कटिंग एजेस है ये डबल लाइन से जो आपको दिख रहा है यहां पे ये हो गया आपके कटिंग एजेस सो विच पार्ट ऑफ द ड्रिल फॉर्म्स द कटिंग एज द आंसर इज फ्ल्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द पॉइंट एंगल ऑफ द ड्रिल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील ओके okay. सो so, आप देख सकते हो इमेज में इसे कहते इस एंगल को कहते हैं पॉइंट एंगल ओके okay? अपोजिट एंगल है इसलिए इस इस एंगल से वो शो किया है तो इसे कहेंगे पॉइंट एंगल अब वो पॉइंट एंगल अलग अलग होते हैं जैसे 118 डिग्री 130 डिग्री 135 डिग्री सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि माइल्ड स्टील अगर आपको ड्रील करना है तो क्या एंगल होना चाहिए सो इसका आंसर है वन, वन डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट टैप ड्रिल साइज इन जनरल पर्पज ओके सो अगर आपको टैपिंग uh, ऑपरेशन करना है राइट right? सो so, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है वॉट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट ट्रैप टैप ड्रिल साइज इन जनरल पर्पज सो आप क्या करोगे मेजर डायमीटर माइनस स्पीच कर लोगे सो so, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वे द कूल एंड थ्रू द कटिंग एज इन ए ड्रिल ओके सो so, फ्ल्यूड का पर्पज़ क्या है इसका आंसर जो है वो है फ्ल्यूट सो so, ये जो है इसे कहते हैं फ्ल्यूट सो फ्लूड का पर्पज़ क्या है जब आप कटिंग करोगे तो आपका ड्रिल बिट अंदर जाने वाला है तो वहाँ पे कटिंग टूल कटिंग ऑयल पहुँचाना बहुत डिफ़िकल्ट है सो so, आप वो कटिंग ऑयल जो है वो पास करोगे इस फ्लियूड से ताकि फ्रिक्शन जो है कटिंग टूल और वर्क के बीच में वो बहुत कम होगा ओके सो द फ्लूट्स आर यूज टू सप्लाई द कटिंग ऑयल ड्यूरिंग मशीनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन गैंग ड्रिल इज़ यूज फॉर सो सबसे पहले आप देख लो गैंग ड्रिल क्या होता है सो so, बहुत सारी ड्रिलिंग मशीन जो है एक लाइन में ऐसे अरेंज करते हैं जिसे कहते हैं गैंग ड्रिल ओके सो इसका पर्पस क्या है लार्ज बैच प्रोडक्शन अगर आपका बैच प्रोडक्शन है और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उस केस में आप यूज़ करोगे गैंग ड्रिल मशीन इसे कहते हैं गैंग ड्रिल मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल मशीन अ नंबर ऑफ ड्रिल्स आर यूज साइमल्टेनियसली सो इसका आंसर बनेगा फिर से गैंग ड्रिल मशीन अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ड्रिल बिट्स यूज किए हुए हैं ओके okay, एक ही मशीन है लेकिन इस मशीन पर आप चार अलग अलग स्पिडल आपको दिख रहे हैं और चार अलग अलग ड्रिल बिट यहाँ पे अटैच किए हैं सो साइमल्टेनियसली यू कैन प्रोसेस ऑन दैट जॉप नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स द कॉलम ड्रिल मशीन पजेस ओके कौन से टाइप का गियर बॉक्स इसमें यूज होता है सो so ये है आपका कॉलम ड्रिलिंग मशीन एक कॉलम पे खड़ा हुआ है इसलिए इसको, इसको कहते हैं कॉलम ड्रिलिंग मशीन अब इसमें कौन सा होता है तो बोथ स्पीड गियर बॉक्स एंड फीड गियर बॉक्स देखिए आपको ड्रिल को रोटेट भी करना है और उसे लीनियरली वर्क पीस में पास भी करना है सो so, स्पीड गियर बॉक्स एंड फीड गियर बॉक्स इज यूज इन कॉलम ड्रिल मशीन अ सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन इज यूज फॉर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन आपने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस स्लाइड में सो so, उसका यूज होता है लाइट वर्क के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मूवमेंट ऑफ रेडियल आर्म इज अब देखिए ये हो गया आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन ओके क्यों इसे रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं क्योंकि ये पूरा आर्म जो है ऐसे रोटेट होता है इसलिए इसको कहते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन राइट अब इस आर्म का मूवमेंट कैसे हो गया तो बहुत हेवी है तो ये कैसे होता है सो so, इसका आंसर है आइदर मैनुअल और पावर्ड एक तो मोटर इसको अटैच होगा जिसके वजह से आप इसे रोटेट कर पाओगे अलोंग दिस कॉलम या फिर आप इसे मैन्युअली भी रोटेट कर पाओगे सो so, इसका आंसर बनेगा आइदर मैनुअल और पावर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रिलिंग हेड कैन मूव ड्रिलिंग हेड कैसे मूव होता है सो so, ये आपका हो गया ड्रिलिंग हेड ये कैसे मूव होगा सो ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड अप एंड डाउन अब देखिए ड्रिलिंग हेड माउंट है रेडियल आर्म के ऊपर सो so, ये अप एंड डाउन मूव हो सकता है और ये ऐसे भी मूव हो सकता है ओके सो इन एंड आउट एंड अप एंड डाउन और इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड अप एंड डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन कैन बी कैटेगराइज एज ओके सो इसका आंसर है स्पेशल पर्पज मशीन मल्टी स्पिंडल मशीन अब देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारे स्पिंडल्स है और जिसको ड्रिल बिट अटैच है सो मल्टी स्पिंडल मशीन को हम लोग क्या कहेंगे स्पेशल परपज मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए मल्टी स्पिंडल ड्रिल द ड्रिल्स आर यूज एट अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मल्टी स्पिंडल मशीन है सो ड्रिल्स आर यूज एट इसका आंसर होगा डिफरेंट हाइट अलग अलग हाइट पे आप ये ड्रिल बिट जो है ये यूज कर सकते हो अलग अलग डायमीटर के ड्रिल बिट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो जिसका लेंथ एल बाई डी रेशियो पे डिपेंड रहेगा सो so, वो भी अलग अलग रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन कैन प्रोड्यूस होल ऑफ डिफरेंट ओके ये हो गया आपका मल्टी स्पिंडल मशीन सो इसका आंसर है बोथ शेप एंड डेफ्थ सो मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में आप जो है अलग अलग डायमीटर का ड्रिल बिट यूज कर सकते हो सो so, ऑब्वियसली और उसकी लेंथ भी अलग अलग रहेगी सो यू कैन प्रोड्यूस द होल विथ डिफरेंट डायमीटर एंड डिफरेंट डेफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द डीप होल अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप होल करना है तो आप कौन सा पैरामीटर कंसीडर करोगे सो so, वो रहेगा आपका एल बाई डी रेशो और एल बाई डी रेशो जो है वो हाई होना चाहिए एल मीन्स डेफ्थ ऑफ दैट होल एंड डी इज डायमीटर अब आपको बहुत ज़्यादा डीप होल करना है मतलब लेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगा डायमीटर कम रहेगा सो so, एल बाई डी रेशो शुड बी हाई नेक्स्ट क्वेश्चन डी होल ड्रिलिंग मशीन्स आर नॉर्मली ओके सो so, आप देख लो पहले ड्रीप होल ड्रिलिंग मशीन इसे कहते हैं डीप होल ड्रिलिंग मशीन ये आपका जॉब है एक शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर मान लो एक डीप होल आपको करना है सो so, ये मशीन आपको कैसे दिख रहा है ये मशीन है हॉरीजोंटल हॉरीजोंटल यहाँ पे मशीनिंग हो रहा है इसके पहले जो ड्रिलिंग मशीन आपने देखी थी उसमें वर्टिकल मशीनिंग हो रहा था लेकिन इसमें जो है इसमें हॉरीजोंटल मशीनिंग हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इन डीप होल ड्रिल मशीन द टूल इज सो द आंसर इज लॉन्ग एंड स्लेंडर आपका जो टूल है वो लॉन्ग होना चाहिए और वो सिलेंडर होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द ड्रिल रोटेट्स विथ ब्लैंक स्पेस प्रेशर इफ द जॉब इज हेल्ड ऑन द अर्थ ओके सो ये है वही आपका ड्रिलिंग मशीन अब ड्रिल कैसे रोटेट होगा ड्रिल जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर आप इसमें दोगे यहाँ पे आप जॉब फिक्स करोगे और ड्रिल बिट को नीचे आप ट्रैवल कराओगे ओके सो फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द ड्रिल रोटेट्स सो ड्रिल रोटेट होगा विथ डाउनवर्ड प्रेशर आप उसे नीचे आप उसे प्रेशर दोगे नीचे आप उसे ट्रैवल कराओगे नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट होल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट सो अगर आपको एक्यूरेट होल प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेशन करोगे ड्रिलिंग के भी पहले सो so, उसका आंसर है सेंटरिंग सो so, ये है आपका सेंटर बिट ओके जनरली अगर आप कोई वर्कपीस के ऊपर होल कर रहे हो तो वो बिट शिफ्ट होता है ओके जहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट होल करना है तो एग्जैक्टली वहाँ पे ड्रिल बिट नहीं आएगा मशीनिंग करते टाइम वो शिफ्ट होने के चांसेस है तो सबसे पहले आप क्या करोगे एक सेंटर बीट लोगे और सेंटरिंग ऑपरेशन करोगे और उसके बाद आप करोगे ड्रिलिंग ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट होल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म लास्ट अब सबसे लास्ट कौन सा ऑपरेशन करेंगे सो so, सबसे लास्ट हम लोग करेंगे रीमिंग ऑपरेशन यहाँ पे आप रीमिंग ऑपरेशन देख सकते हो ये होगा सबसे लास्ट ऑपरेशन ये अलग अलग ऑपरेशन है सो हम लोग क्या करेंगे जैसे मान लो आपको सिक्स सिक्स एम एम डायमीटर का होल अगर आपको करना है तो आप लोग क्या करोगे फाइव पॉइंट एट mm एम एम डायमीटर का होल करोगे विथ ड्रिलिंग ऑपरेशन और लास्ट पॉइंट टू एम एम जो मटेरियल है वो आप रिमूव करोगे रिमिंग ऑपरेशन से जिसे कहते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फोिंग ऑपरेशन इज कैरीड आउट फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड्स इंटरनल थ्रेड्स के लिए कौन सा ऑपरेशन है सो इंटरनल थ्रेड्स आप यहाँ पे देख सकते हो टैपिंग ऑपरेशन सो टैप आप यूज करोगे विध दिस यू कैन प्रोड्यूस इंटरनल थ्रेड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलिंग मेटल डज नॉट रिक्वायर एनी कूल्ट ड्यूरिंग रिमिंग ओके आप मान लो मशीनिंग कर रहे हो रिमिंग कर रहे हो रिमिंग ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन के ऊपर सो कूलट की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा कौन सा मटीरियल है सो द आंसर इज कास्ट आयरन कास्ट आयरन के ऊपर अगर आप मशीनिंग कर रहे हो तो कूलेंट की जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेज लाइक टूल इज यूज फॉर रिमूविंग द टेपर शैंक टूल फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल वॉट इज कॉल्ड ओके सो ये जो है ये आपका ड्रिल ड्रिफ्ट है इस ड्रिल ड्रिप्ट से आप क्या करोगे स्पिंडल से अगर आपको निकालना है ड्रिल बिट को राइट right? सो so वो आप कैसे निकालोगे इस ड्रिल ड्रिफ्ट के यूज से नेक्स्ट क्वेश्चन ए फाई सिक्स एच सेवन होल इज़ टू बी रिम्ड इन ए स्टील वर्क पीस वॉट इज़ द साइज ऑफ ड्रिल विल बी रिक्वायर्ड ओके साइज क्या है सिक्स एच सेवन सो इसमें रहेगा आपका आंसर फाइव पॉइंट एट एम एम ओके सिक्स डायमीटर का सिक्स एम एम डायमीटर का आपको होल करना है तो आप क्या करोगे फाइव पॉइंट एट एम एम डायमीटर का आप होल करोगे और उसके बाद आप रिमर यूज़ करके बाकी मटेरियल रिमूव करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट एंगल ऑफ ए टूज ड्रिल डिपेंड्स अपॉन ओके पॉइंट एंगल इसे कहते हैं पॉइंट एंगल अब यह मेनली किस पर डिपेंड होता है सो so, ये डिपेंड होता है मटेरियल टू बी ड्रिल्ड आप कौन सा मटेरियल ड्रिल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट एंगल चूज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कटिंग लीप इज कॉल्ड एज ओके सबसे पहले रिलीफ एंगल हम लोग देखते हैं ओके सो ये है लीप क्लियरेंस एंगल लीप क्लियरेंस एंगल को ही बोलते हैं रिलीफ एंगल ओके सो द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कटिंग लीप यह आपका कटिंग लीप राइट ये कटिंग लीप है और इसको एंगल दिया हुआ है इस एंगल को कहते हैं लीप क्लियरेंस एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल टू डू द जॉब एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब ओके द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल टू डू द जॉब एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इज कॉल्ड एज इसे कहते हैं फ्लोट नेक्स्ट क्वेश्चन ए होल ऑफ टेन एम एम डायमीटर इज टू बी फिनिश्ड विथ ए हैंड रिमर ओके दस एम एम डायमीटर का होल आपको फिनिश करना है रिमर के साथ द होल्स इज रिक्वायर्ड फॉर रिमिंग शुड बी ओके ये हो गया आपका रिमिंग ऑपरेशन ये अलग अलग रिम रिमर से यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं सो so, इसे कहते हैं हैंड रिमर ये हो गया आपका मशीन रीमर ऐसे अलग अलग टाइप के रीमर से यहाँ पे आप देख सकते हो ओके सो so इसके लिए आंसर है नाइन पॉइंट सेवन फाइव एम एम सो आप क्या करोगे सबसे पहले नाइन पॉइंट सेवन फाइव mm एम एम डायमीटर का होल करोगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट और फिर रिमर आप यूज़ करोगे सो so बचा हुआ पॉइंट टू फाइव एम एम मटेरियल जो है सॉरी <coughs> वो आप रिमर से रिमूव करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन

ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाई मीन्स ऑफ ड्रिल चक को कैसे रखते हैं ओके सो द आंसर इज आर्बर देन ड्रिल स्लीव इज यूज वेन द टेपर शैंक ऑफ द ड्रिल इज ओके सो इसे कहते हैं ड्रिल स्लीवस देख लीजिए आप इसे कहते ड्रिल स्लीव्स अब इसका पर्पज़ क्या है जैसे मान लो आपका स्पिंडल है ड्रिलिंग मशीन का स्पिडल उसमें आपको एक ड्रिल बिट अटैच करना है लेकिन उसका डायमीटर जो है उसके शैंक का डायमीटर जो है वो बहुत कम है उसमें अटैच नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे सबसे पहले स्लीव लगाओगे और उस स्लीव में आप वो ड्रिल बिट डाल दोगे राइट सो so, ड्रिल स्लीव का पर्पज़ क्या है सो द ड्रिल स्लीव इज़ यूज वैन टेपर शेंक ऑफ द ड्रिल ओके जो ड्रिल बिट आपके पास है उसका जो शैंक है अगर वो उसका डायमीटर उस शेंक का डायमीटर अगर आपके ड्रिल चक के डायमीटर से बहुत कम है उसके इसमें आप ड्रिल स्लीव का यूज़ करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन द लीप क्लियरेंस एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज मशीन शुड बी लीप क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए ठीक है सो so ये हो गया आपका लीप क्लियरेंस एंगल ये कितना होना चाहिए सो द आंसर इज 12 टू 15 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस ऑफ ए ड्रिल एडवांस इन टू द जॉब इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज नोन एज ओके अगर ड्रिल बिट का एक रोटेशन होता है तो लीनियरली वो वर्क पीस में कितना ट्रैवल कर रहा है उसे क्या कहेंगे ऑब्वियसली उसे कहेंगे फीड ओके फीड माने क्या एक रोटेशन में आपका कटिंग टूल कितना एडवांस हो रहा है वर्क पीस में उसे कहेंगे फीड नेक्स्ट क्वेश्चन द रेट ऑफ फीड डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ़ फीड किस पे डिपेंड है सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव मतलब आपको फिनिशिंग कितना चाहिए आपके ड्रिल बिट का मटेरियल क्या है आप कौन सा मटेरियल मशीनिंग कर रहे हो ये सारे पैरामीटर पे डिपेंड है आपका फीड नेक्स्ट क्वेश्चन अ नट इज टू बी मेड फ्रॉम अ स्क्रू ऑफ एम टेन इंटू वन पॉइंट फाइव वॉट शुड बी द साइज ऑफ ड्रिल होल अब यहाँ पे एम टेन देखिए मतलब टेन एम एम उसका डायमीटर है और वन पॉइंट फाइव एम एम उसका पीच है ओके सो क्वेश्चन क्या है अ नट इज़ टू बी मेड फ्रॉम अ स्क्रू फॉर ए स्क्रू एक नट आपको तैयार करना है एक स्क्रू के लिए स्क्रू है एम टेन इंटू वन पॉइंट फाइव टेन एम एम डायमीटर वन पॉइंट फाइव उसका पिच है वॉट शुड बी द साइज ऑफ ड्रिल होल अब इसके लिए आप, आप जो होल ड्रिल करने वाले हो उस उसक्रू के लिए उसका डायमीटर कितना होना चाहिए सो द आंसर इज एट पॉइंट फाइव एम एम सो सिंपली आपको क्या करना है जो भी डायमीटर उसमें से पिच माइनस करना है सो so जो आंसर आएगा उस डायमीटर का होल आपको ड्रिल करना है सो so ये हो गए आपके टोटल फिफ्टी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ड्रिलिंग रिमिंग एंड टैपिंग ऑपरेशन ओके okay. सो so, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सेकेंड वीडियो था इसमें हमने डिस्कस किए हैं फिफ्टी वन टू हंड्रेड क्वेश्चन सो बहुत यूज़फुल होने वाला है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्रिपरेशन कर रहे हो उसका तो ये सीरीज़ बहुत यूज़फुल है सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू